क्वेश्चन में कह रहा है कि इस नेटवर्क में हमें चार कैपेसिटर गिवन है C1, C2, C3 एंड C4 और हमें जो कैलकुलेट करना है वो है पॉइंट ए, फाइंड नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, इस सर्किट की नेट कैपेसिटेंस कितनी है ये हमें बताना है। दूसरे पॉइंट में कह रहा है पॉइंट बी में कि अगर इस C1 3 माइक्रो फैरेड के कैपेसिटर पे अगर 6 माइक्रो कूलम का चार्ज है तो C3 और C4 पे कितनी चार्ज होगी ये बताइए, ठीक। और इसमें सेकंड पॉइंट पूछा गया है कि नेट एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C3 एंड C4 कनेक्टेड इन सीरीज, इन दोनों कैपेसिटर के अंदर नेट एनर्जी कितनी स्टोर होगी ये भी हमें बताना है, ठीक। तो सबसे पहले नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट निकाल लेते हैं। तो इसमें देखो ये C1 और C2 ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, तो पैरेलल में है तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इनका सी इक्विवेलेंट हो जाएगा, पैरेलल में क्या होता है फॉर्मूला, इसे सी डैश मान लेते हैं, सी डैश इक्वल टू C1 प्लस C2, तो सी डैश इक्वल टू कितना हो गया 6 + 3 9 माइक्रोफेरेड। अब ये सी डैश मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट जो आया सी डैश C3 एंड C4 ये तीनों किसमें हो जाएंगे, सीरीज में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट, 1/C इक्विवेलेंट, और कोई कैपेसिटर नहीं है बस सभी सॉल्व हो गए, तो सी इक्विवेलेंट मान लेते हैं इसे 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस 1/C' ये हो जाएगा। C3 कितना है 4, C4 कितना है 12 और ये आ गया हमारा 9। इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 36, तो इसमें 9, 3 और 4 by 36, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 36 by 16, सी इक्विवेलेंट हो गया हमारा 36 by 16, अगर हम इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से काट देते हैं 9 by 4, तो सी इक्विवेलेंट आ गया हमारा 2.25 माइक्रो फैरेड, ठीक ये हो गया सी इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट आ गया हमारे पास, ठीक। ऑप्शन ए मतलब पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरे में क्या कह रहा है कि अगर C1 पे 6 माइक्रो कूलम का चार्ज है तो C3 और C4 पे कितनी होगी, तो इस पे 6 माइक्रो कूलम का चार्ज है और ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वही इसके अक्रॉस भी होगी, ठीक ना। तो इधर चार्ज मान के चलो 6 माइक्रो कूलम आया, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए और ये बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारी हो गई बी ए बी इक्वल टू V इक्वल टू क्यू बाय सी, 6 माइक्रो कूलम अपॉन 3 माइक्रो फैरेड, क्यू बाय सी ना, तो 6 × 10⁻⁶ और 3 × 10⁻⁶, ठीक ना, माइक्रो माइक्रो है तो ये निपट के 2 आ गया, तो वी ए भी कितना 2 वोल्ट, ठीक। अब ये 2 वोल्ट है इसके अक्रॉस, तो 2 वोल्ट तो इसके लिए भी है ना, तो Q बराबर सी भी 6 × 2 = 12, तो इसका मतलब यहां पे चार्ज कितना गया है 12 माइक्रो कूलम, नीचे 6 ऊपर 12, तो यहां से आया कितना होगा इन दोनों का सम 18 माइक्रो कूलम, ठीक ना, तो 18 माइक्रो कूलम का नेट चार्ज है इस सर्किट में, ठीक ना, 18 माइक्रो कूलम। अच्छा ये तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, हमारे पास सी इक्विवेलेंट आ गया था, तो मतलब चार्ज इसमें जो भी होगी वो तो नेट चार्ज ही होगी टोटल वाली, है ना, क्यू टोटल, तो क्यू टोटल के लिए हम क्या करते हैं सीधा सी इक्विवेलेंट इंटू वी लगा देते हैं, सी इक्विवेलेंट कितना 2.25 इंटू वी कितना 8, तो ये कितना आ गया 18 माइक्रो कूलम, ये तो डायरेक्ट ही आ जाता है 18 माइक्रो कूलम, ठीक ना, तो इनपे 18 माइक्रो कूलम का चार्ज है, ठीक। अब देखो अब सेकंड पॉइंट है इसका, ये
फर्स्ट पॉइंट बी वाले का फर्स्ट पॉइंट तो निपट ही गया है ना, बी का फर्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि नेट एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C3 एंड C4। अब C3 और C4 का ना इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, तो ये दोनों किसमें, सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/C" नाम दे देते हैं, 1/C" इक्वल टू 1/12 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 3/12, तो 12/4 3, तो C" हमारा आ जाएगा 3 μF। तो इन दोनों पे जो एनर्जी स्टोर्ड है वो हम कैसे निकालेंगे, Q²/2C" है ना, Q²/2C" सीरीज में हम यही लगाते हैं ठीक ना। तो एनर्जी स्टोर्ड अगर हम इसकी बात करें तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाला पॉइंट है बी का सेकंड, ठीक, क्या करेंगे एनर्जी स्टोर्ड के लिए, Q²/2C". क्यू कितना है, 18 × 10⁻⁶ का स्क्वायर बाय 2 × C"³, 3 × 10⁻⁶, तो ये हो गया हमारा 18 × 18, 324 × 10⁻¹² अपॉन 6 × 10⁻⁶, इससे ये कैंसिल, 10⁻⁶ बच गया ठीक। इससे इसे काटेंगे कितना आ जाएगा, 54, तो 54 × 10⁻⁶ जूल इतनी एनर्जी स्टोर्ड है किसमें, C3 एंड C4 में ठीक। अब देखो ये हो गया, इसे हम और ज्यादा सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, इसे 54 μJ, क्लियर।